मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही पुअर फैमिली की लड़की हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं खूब पढ़ूंगी और पीएचडी करूंगी। ये ईश्वर का वरदान था, खूबसूरती हो चाहे पढ़ने लिखने में हो, हर चीज़ में मैं आगे थी। बहुत ही टैलेंटेड थी, पढ़ाई करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एनसीसी, मैं बहुत अच्छी फोक डांसर भी थी। सपने में भी इस डरावने सच का कभी भी हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़िंदगी अचानक इस करवट बदलेगी और इतनी कांटों घड़ी, दर्द घड़ी, तकलीफ घड़ी, आंसू घड़ी और इतनी संघर्ष घड़ी होगी। इतनी कम उम्र में हमें ये सब देखना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे परिवार को भी सफ़र करना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। क्योंकि दो तीन लड़के थे जो कई कई सालों से, कई महीनों से मुझे परेशान कर रहे थे, छेड़छाड़ करते थे, मतलब तंग करते थे, कमेंट करते थे, घर से निकलती थी तो गंदी गंदी गाते करते थे, इस तरह से कुछ दिनों से चल रहा था। मैंने अपने घर में इस बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि शायद फैमिली परेशान हो जाए, काका मम्मी मेरे घर से आना जाना बंद हो जाए। मैंने उनको वार्निंग दिया, समझाया, दो तीन तरह से समझाया उनको, प्यार से भी समझाया, उससे भी गात ना करनी, लेकिन थोड़ा उनको समझाया कि ये सब बंद करो नहीं तो हम कुछ एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट में। बाईस अप्रैल 2003 की रात को लगभग 2:30 बजे एक मंदिर थी पास के छत में, मंदिर में एक रास्ता था दूसरी छत से आने के लिए, जिस तरह से उन्होंने सारी क्लाइंबिंग की छत से छत में, हमारे छत के आए रात के 2 बजे और गड़ी एक जग थी एसिड की और उसने पूरा उडेल दिया एसिड मेरे ऊपर। उसी वक्त मुझे आँखों से कुछ दिख नहीं रहा था, आईसाइट, मुझे उसी समय लग रहा था कि आईसाइट जा रही है, पूरा बॉडी जल गया, सर जल गया, फेस जल गया था, तड़क रही थी मैं, शोर मचा रही थी, छींक रही थी और इतना दर्द, इतना जलन हो रहा था, जैसे लग रहा था मुझे किसी ने आग की भट्टी में डाल दिया। कैसा था मेरे लिए, कैसे हमने उसको बर्दाश्त किया, कैसा लग रहा था, उन सब अनुभवों को मतलब शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। इलाज कराना था, कैसों का इंतज़ाम करना था, तीसरी उन दरिंदों को, अपराधियों को सज़ा दिलानी थी, तो तीन मोर्चों की लड़ाई हम लड़ रहे थे। मेरी ज़िंदगी मतलब और मौत के बीच में जूझ रही थी, कैसे कैसे 2 साल मतलब बुरी स्थिति में थी मैं, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी, ना खा सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। एक अपनी ज़मीन बेचती जो कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उनके पास थी गाँव में, कि हमारे नानक ने जेवर गहने तक बेच दिए जो हमारे शादी के लिए थोड़े बहुत उनके पास थे, उनको अपने पिता से मिला था, तो रिश्तेदारों से कर्जे लेना शुरू किए गए, हमें दे दो किसी से, मामा जी लोगों से, बुआ लोगों से, इधर से उधर से, दोस्त यार से कर्जे वर्जे करके ये सिलसिला चलता रहा 3-4 साल तक। उसके बाद सब खत्म हो गया, ना कर्जा था, ना घर था, ना प्रॉपर्टी, ना रिश्तेदार थे हमारे पास, ना प्रॉपर्टी थी, ना कुछ था कि अब हम बेच सकें, सिर्फ 4 जिंदगियाँ थी। हर दिन एक नई संघर्ष, नई चुनौती, नई लड़ाई के साथ, मतलब कुछ दिन तो हमने हमारे परिवार में ऐसे बिताया कि इसके बिना खाना के, बिना दवाइयों के मुझे गुजारना पड़ा। इतना दर्द होता था, आँखों में दवाई नहीं होती थी, पेन किलर्स नहीं मिलते थे, एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती थी, जख्म से खून निकलता था, ब्लड्स आते थे और उन ड्रेसिंग कराने का हमारे पास कैसे नहीं होता था, कैसे कंडीशन में हमने वो दिन गुजारा और रात गुजारा है, वो मतलब सिर्फ हमारा परिवार और हम जानते हैं। हमारे फेगर में जजमेंट आया, 9 ईयर की उन लोगों को पनिशमेंट हुई, तो मुझे लगता है कि ये पूरा इंसाफ मेरे साथ नहीं हुआ। और 5,000 रुपये की जुर्माना, अब तक हम 7-8 लाख रुपये खर्च कर चुके थे और 5,000 रुपये जुर्माने में हमारा 1 महीने का दवाई भी नहीं आएगा, तो ये किस तरह का इंसाफ है, किस तरह का जस्टिस है। और दूसरी सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा, इतना दुख हुआ उस दिन, तो मैंने सारा दिन इतनी सदगी में गिताया था 2-3 दिन, तुरंत ही कि उनको हाई कोर्ट से गेल मिल गई और वो गेल से बाहर हो गए और हमें मुँह चिढ़ाते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। फाउंडेशन गेटी है, उनका हाथ मेरी मदद के लिए उठा है, मेरे पूरे ट्रीटमेंट का वो 25% या 30% वो हॉस्पिटल में दे रही है, दिया है उन्होंने।
तो अंगिता गचन सिंह मिली, लारा दत्ता सिंह मिली। लारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अंगिता सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ऐसे इंसान हैं, ताकि हम कहते कि भारत देश का अस्तित्व है। और वो भी बहुत पीड़ित थे, बहुत आहत थे, मुझे देखकर बहुत ही दुखी थे अंदर से। उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे, बहुत सपोर्ट का आश्वासन दिया है, मदद का भी आश्वासन दिया है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो कोई लैंडमार्क डिसीजन होना चाहिए, इनकी आंखें निकाल दो, कुंक्षक बना दो। तब जिन हाथों से वो एसिड खरीदते हैं और एक मासूम लड़की की जिंदगी, इंसान की जिंदगी गर्गात करते हैं, उन हाथों को आप काट दीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए सजा के लिए। तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। एक विनती करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि आंखी की बेटी हैं, आंखी समाज की लड़की हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप कुछ कदम उठाइए। कड़े कानून की दरकार है, कड़े कानून बने, कड़ाई से उसका पालन हो, महिला संगठन आगे आए।